प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा निकाय चुनाव को लेकर, चर्चा राजनीति को लेकर, चर्चा रणनीति को लेकर और चर्चा उस वर्ग को लेकर जिसके वोट बैंक सबसे ज्यादा है। जी हां, चर्चा यहां पर इस बात की हो रही है कि इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास कैसे किया जाए। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली गए थे, वहां पर उन्होंने बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और वहीं से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान आए, फिर भारतीय जनता पार्टी के बयान भी वहां पर आए। मायावती ने जहां उनको एक तरफ गेस्ट हाउस काउंस की याद दिलाई, तो वहीं बीजेपी कह रहा था कि ये प्रेम केवल दिखावा है, इनकी सरकारों में केवल और केवल इस वर्ग का शोषण हुआ है। अब शोषण कितना हुआ है और किसकी सरकार में कितना लाभ हुआ है, शायद ये वर्ग जानता होगा, जानते होंगी उसकी सरकारें जो समय रही थी। खैर, यहां पर जो स्थिति है वो निकाय चुनाव पर दो दो हाथ की हो गई है। यहां पर विपक्ष सरकार के साथ लगातार विरोध और आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। रणनीति, लगातार पदाधिकारियों की नियुक्ति और इसके साथ साथ समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप के दौर बताते हैं कि इस बार निकाय चुनाव जो कि 24 के पहले का उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल माना जा रहा है, इस बार इतना हल्का यानी इतना आसान नहीं होने वाला है सत्ता पक्ष के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विपक्ष की रणनीति और आरोप प्रत्यारोप के दौर बता रहे हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए और भाजपा में उन्होंने आरोप लगाया शोषण का, अनदेखी का, और सपा में आए। हालांकि सपा में आने के बाद उतना नाम जो उनको नहीं मिल पाया, पर उसके बाद जिस तरह से रामचरण मानस पर उनकी टिप्पणी आई, उसके बाद ये मामला गरमाया और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में आ गए, और चर्चा भी ऐसी कि उनको अपने लिए सुरक्षा की मांग करनी पड़ गई। हालांकि उनकी सुरक्षा की अर्जी यहाँ पर खारिज हो गई है, एक महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहना है कि अब हम पुराने रूप में हैं और आपको 5-10 किलो चावल, आटे और गेहूं में नहीं बिकना है, आपको बोतल में नहीं बिकना है, आपको शराब में नहीं बिकना है, आपका जो मन करे या आपको लगे कि कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है उसको आपको वोट देना है। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के वर्ग की, दलित वर्ग की पार्टी है और ये लगातार इस वर्ग के लिए काम करती आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, जिस तरह से राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं इस वर्ग को लेकर जो रस्साकसी का दौर है वो इतना आगे बढ़ने वाला है कि शायद वर्ग नहीं समझ पाएगा कि आखिर उनका हितैषी है कौन। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण है, कुछ बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने माननीय काशीराम जी की प्रतिमा को लगा करके उन्होंने नई पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर किया, और कम से कम ये प्रतिमा जो लगी है उससे बहुत बहुजन समाज के लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। माननीय काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव का चेहरा आज भी अखिलेश यादव के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। मनोहर काशीराम के कर्मों के जो हमारे भूलकर अगली कतार की ओर भाग रहे हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कर्मों को आगे ले जाने की चाहत इस भारत में बनी हुई है। इसे मैं कहना चाहता हूं, आज हम संकल्प लेते हैं मानव कांशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, हम ये संकल्प लेते हैं कि आगे हम सभी मिलकर के, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए दो दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव आपका की बिगाड़ी का चुनाव होगा।
बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग को लेकर लगातार जो वादे और बयान दिए जा रहे हैं वो सारे वर्ग भी जानता है कि हमारा हितैषी है कौन, क्योंकि इस वर्ग का हमेशा शोषण किया गया है। विकास की मुख्य धारा में लाने की बातें यहाँ कही गई हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी अगर हम इस वर्ग की स्थिति पर नज़र डालेंगे तो कुछ को छोड़ दें तो बाकी जगह स्थिति खराब है। स्थिति गरीबी की है, स्थिति कमजोरी की है, स्थिति शोषण की है, और स्थिति शायद ऐसी है कि शायद मानवता भी शर्मसार हो जाए। और तमाम ऐसे मामले हैं जो स्पष्ट करते हैं कि पार्टियां इस वर्ग के वोट लेने में तो अपनी दिलचस्पी दिखाती है, पर कहीं ना कहीं जब सरकार बन जाती है तो सबसे ज़्यादा अनदेखी भी पार्टी इसी वर्ग की करती है। कारण क्या है? क्योंकि इस वर्ग के वोट तो ज़्यादा हैं पर इस वर्ग में प्रतिनिधित्व कम है, और जो प्रतिनिधित्व इस वर्ग का करते हैं कहीं ना कहीं वही इस वर्ग को छलने का काम भी करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है कि 24 में बीजेपी की विदाई तय है, कितनी अनुभव, कितनी रणनीति और कितनी चर्चा करने के बाद इस तरह के बयान देते हैं, और बयान के बाद राजनीति फिर गर्माती है। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जोशी के रूबरू, नेता भाजपा से देशबंधु दीक्षित अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सभा से भवन भास्कर जोशी अपनी बात रखेंगे, और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये भी आम आदमी पार्टी भी लगातार इस वर्ग को लेकर अपने दावे करती आई है, और 17 के चुनाव में भी तमाम लोगों को उतारा गया था, इनको सफलता भी हासिल हुई थी, हालांकि विधानसभा चुनाव में इनको कोई लाभ नहीं मिला। चर्चा महत्वपूर्ण है, पहला सवाल मेरा रहेगा नेता भाजपा से। देशबंधु दीक्षित, कैसे देखते हैं आप जो जैसे समाजी प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि 24 में विदाई तय है, किसकी विदाई तय है ये भी उन्होंने बता दिया कि बीजेपी यहाँ जाने वाली है, और वोटरों को भी कह रहे हैं, वर्ग को भी कह रहे हैं कि आपको 5 किलो चावल गेहूं में बिकना नहीं है, आपको बोतल में नहीं बिकना है, आपको अपना वोट उस तरफ देना है जो आपका सच्चा हितैषी है। कैसे रहते पूरे घटनाक्रम को, क्या राय है आपकी? नहीं देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में अवसर दिया बोलने का। जी सर्वप्रथम मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो यही कहना चाहूंगा जी कि भाई उनके बारे में अब ज्यादा ना बोला जाए तो वही बात है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? वो मानसिक स्थिति उनकी इस कदर खराब हो गई है। कैसी बात, एमएलसी है आए दिन, वो आए दिन वो इस प्रकार की टिप्पणी देते हैं। और रही बात, आपने अभी एक विषय छेड़ा कि 80 करोड़ लोगों को भोजन की जी, तो देखिए एक वैश्विक महामारी कोरोना आई थी। हाँ। और उस समय से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अच्छा, जो महामारी में जो सबसे बड़ी बेसिक आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान, उसमें जो प्राथमिक आवश्यकता होती है रोटी जी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में एक योजना लागू की गई थी। इसको किसी वोट की राजनीति या वोट के एंगल के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, ये किसी भी देश का प्रधानमंत्री होता वो सबसे पहले जीवन की रक्षा और जीवन के बचाव के लिए पहला उसका प्राथमिक दायित्व है। अच्छा, और जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, आपने देखा अनेकों विकसित देश जहां पे स्वास्थ्य की सेवाएं हमसे ऊंचे स्केल पे थी जी। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर गौरव जी आपने समय दिया है, जिस संदर्भ में आपने बात छेड़ी वही चीज, फिर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे आऊंगा जी। बोलिए। तो उस समय से रहा, और उसके बाद आपने देखा आर्थिक मंदी का भी दौर रहा, बाजार में उतार चढ़ाव भी रहा। इन सब परिस्थितियों को भी देखते हुए भी तमाम लोगों को, देखिए बैंक से लोन लिए थे उसको भी बैंक ने अवधि बढ़ाई, लोगों को आसान दिया, प्रधानमंत्री ने जितनी समस्याएं आई, और विपक्षियों का जब भी चुनाव आता है एक ही मुद्दा रहता है, येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार को, छवि को डैमेज करना। देखिए अब ये छवि डैमेज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखिए बिन पेंदे के लोढ़े हैं, कभी वक्तव्य अच्छा। देते हैं कभी कुछ लोग, इसके लिए अभी उनको नेता विपक्ष ने समझाया, खराब आदमी थे तो आपने जोड़ लिया था बीजेपी में उनको। अरे सुनिए तो, गलती हो गई थी क्या? हमने तो जब जोड़ा था, हमने हाँ। जब तक जोड़ा था, 5 साल मंत्रालय भी दिया उनको, इतने खराब आदमी क्यों जोड़ लिए थे गौरव जी? तब जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे, जब तक उनकी स्थितियां परिस्थितियां रही, और वो हमारे विचार, देखिए लोकतंत्र राजनीति में कोई न स्थायी दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन होता है, लेकिन आज वो
सत्ता की चाशनी चाटने के लिए अवसरवादिता की जो राजनीति की पराकाष्ठा रही कि उनको लगा भार्चवा तो जा रही है, अब सपा आ रही है। अच्छा। और सपा में जब वो स्वयं का, अब आप देख लीजिए उनकी राजनीति हैसियत क्या है, वो स्वयं का चुनाव नहीं जीत पाए। अच्छा। और अब अनाप शनाप बयान देकर केवल मौर्य समाज के एकलौते नेता बनना चाहते हैं, और कोई अच्छा। उनका एकमात्र विजन यही है। अच्छा। और उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। और देखिएगा 2024 में सबका साथ सबका विकास की बात हो और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, आप देखें आज हो अल्लाह मन रहा है। एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री जिसको 141 करोड़ लोग ने बहुमत द्वारा चुना है, उस प्रधानमंत्री को ये कहते हैं भाजपा का प्रधान। अरे प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता है ये, गौरव भाई आप भी कहेंगे प्रधानमंत्री देश का होता है। और देश की, हाँ भारत देश की जनता ने उसको अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक बार नहीं दो दो बार चुना है जी। और ये उसके बारे में इतनी अनर्गल टिप्पणी करते हैं। अच्छा। और आपको बता दें जनता जनार्दन के मुद्दों से इनका कोई वास्ता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार के भाषण देके या वक्तव्य देके, या उनका निजी बयान है जिससे वो थोड़ी चर्चा पा सकते हैं और थोड़ा सुर्खियां अच्छा, बटोर सकते हैं। भाई अभी आपने बयान दी, अभी आपने बात कही थी कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं तो कोई पराया नहीं होता है, कोई कहीं भी जा सकता है, तो क्या मान सकते हैं भविष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बीजेपी में आ सकते हैं क्या? नहीं ऐसा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की अब स्थिति ये हो गई है कि अब उनको जो है बहुत चिंतन करना पड़ेगा, आत्मनन करना पड़ेगा। अच्छा। आप कुछ भी आके चैनल मीडिया में प्रचार देके खाली छद्म प्रसिद्धि पाने के लिए जो हथकंडा अपना रहे हैं, अच्छा। इसे राजनीति नहीं कहते हैं। राजनीति का मतलब होता है जनता के द्वारा अच्छा। सुख दुख में साथ देना, उसकी समस्याओं को दूर करना अच्छी बात और लोकतंत्र को मजबूत करना। मुझे पता है राजनीति क्या है। आप वक्तव्य दे के और केवल मुझे आज की राजनीति पता है भाई, पता है चाशनी चाटने के लिए मुझे पता है कौन कितने पानी में, ठीक है। में जाते हैं तो आप है, नहीं ठीक आप ठीक है। समझने देखिए एक विद्वान पत्रकार हैं गौरव जी, समझते तो आप ये हैं मैं सब वो सपा में क्यों गए और किस कारण गए और आज वो मुझे भी पता है भाजपा में क्यों आए थे वो, ठीक है ठीक है। प्रवक्ता सपा भवन नमस्कार जोशी भाई, बड़ी रहा आपको हंसी आई मैंने ऐसी कोई बात बोल दी। जो इस तरह से रणनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर सरकार के साथ दोनों हाथ करने तैयार है, निकाय चुनाव में जिस तरह से लगातार राजनीति और बैठक और यहाँ पर चर्चाओं का और विशेष वर्ग को अपने पाले में करने का जो रस्साकसी का दौर जारी है, किस तरह देखते हैं इस पूरे घटना पर, क्या कहेंगे आप? जी जी हमारा जो चुनाव चिन्ह है साइकिल जी, उसके दो पहिए हैं और मैं तो कहना चाहूंगा उसके दो विचार हैं और उस विचारों को लेके हम लोग साथ चल रहे हैं जी। पहला विचार है लोहिया जी का विचार जी। और दूसरा विचार है अंबेडकर जी का विचार जी। इन दोनों विचारों को हम लोग सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर जनता के बीच में अच्छा। अब जाकर हम संगोष्ठियों के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी और की लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अच्छा। और आज जिस प्रकार से एक दल ने भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया हाँ। तो आज वो समाज माननीय अखिलेश यादव जी को बड़ी आशा भरी दृष्टि से रखता है। और क्योंकि किसे सरेंडर कर दिया उसका नाम भी बता दीजिए, किसे सरेंडर कर दिया नाम भी बता दीजिए। देखिए 22 के चुनाव में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दो ही राजनीतिक दलों ने सरेंडर करा था, एक बहुजन समाज पार्टी ने और एक AIYM ने। अच्छा। ये दो ही दल है जो इनके साइलेंट पार्टनर कह लो या अनैतिक गठबंधन कह लो, उसको बहुत सारे नाम दे सकता हूँ मैं। अच्छा। लेकिन ये पूरे प्रदेश और देश में बात क्लियर। अभी ये साइलेंट पार्टनर आपका पार्टनर रहा था 19 में, भवन भाई ये भी याद कर लिया करिए, कभी ये साइलेंट पार्टनर आपका पार्टनर भी था। गौरव जी माननीय अखिलेश यादव जी की राजनीति में ये नहीं है, वो जो करते हैं सामने से करते हैं। बसपा का चुनाव नहीं लड़ा था 19 का आपने, समाजवाद में इसको नकार रहे हैं आप? बसपा के चुनाव चुनाव नहीं लड़ा था, इसको नकार रहे हैं आप? जी मेरी बात तो सुनिए आप इसका मतलब मेरे विषय को पहली बार चूक गए। मैंने कहा वो उनके साइलेंट पार्टनर, हमारे साइलेंट पार्टनर नहीं थे। अच्छा। हमारे तो जनता के बीच में गठबंधन हुआ था। अच्छा। हमने तो जनता को दिखाकर गठबंधन करा था। ये चोरी का रहा इस माननीय अखिलेश यादव भी नहीं करते। क्या बात है, हम लोग जो करते हैं चाहे हमने कांग्रेस से करा चाहे हमने बहुजन समाज पार्टी से करा, हमने चोरी का या जो हिडन पार्टनर कह सकते हैं या साइलेंट पार्टनर, ये काम हम लोग नहीं करते समाजवादी लोग। अच्छा। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है ताकि इनकी जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको हवा मिल सके। अच्छा।
मैं आपको बहुत बहुत जिम्मेदारी से आगे बताना चाहता हूँ, जो कल ये अनावरण हुआ है, ये हमारे ये माननीय काशीराम जी जिन्होंने पूरा जीवन, माननीय अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन इस समाज की सेवा के लिए लगा दिया। अच्छा, ये दो प्रेरणा स्रोत है हमारे। अच्छा, हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी है जिसकी संगोष्ठियां प्रारंभ हो चुकी है जाति जनगणना को लेकर। अच्छा, क्योंकि ये भी वो समाज है, एससी एसटी ओबीसी और वनवासी समाज हमारा, वो समाज है जो आज भी पीछे है, और मुख्य जो सामाजिक न्याय की जो हमारी लड़ाई है उसमें अब तक हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर। अच्छा, और ये लड़ाई 2024 में जो आपने, अच्छा, आप भी चार बार सरकार रही है, अभी हाल में ही 12 से 17 तक आपकी सरकार रही, तभी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे क्या? तब याद नहीं था ये बरकता, भूल गए थे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12-17 में भी कार्य हुए, लेकिन अब क्या क्या काम हमने करने का काम कर लिया। देखिए, सरकार तो अलग तरीके से काम कर सकती है। अच्छा, लेकिन हमने क्या क्या काम करा मैं आपको बता सकता हूँ? काम नहीं पूछ रहा हूँ, इस वर्ग के लिए पूछ रहा हूँ जी। इसी वर्ग के लिए क्या काम कर रहे हैं, अब क्या काम कर रहे हैं आपको बता दीजिए। हमने सबसे पहले अम्बेडकर वाहिनी का गठन करा जिससे कि इनको प्रतिनिधित्व मिल सके हमारे संगठन में। अब हमने उसको फ्रंटल संगठन बनाने का काम करा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले ही हमारा प्रकोष्ठ था, लेकिन अब ये हमारा फ्रंटल संगठन बनने जा रहा है। अच्छा, अम्बेडकर वाहिनी के रूप में जी। और आप देखिए कितनी संख्या में, कितने लीडर से लेकर कार्यकर्ता से लेकर जनता तक कितना जुड़ रही है उस वाहिनी में। तो ये काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं, चाहे संगठन में हो, कल को सरकार बनेगी सरकार में करेंगे। अभी आप चुनाव का टिकट को देख लीजिएगा, अभी आपने संगठन जो हमारा वैसा बना है, आपने देखिए कितने लोगों को दलित समाज के माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम करा। तो ये लड़ाई को लड़ने जिलाध्यक्ष कितने बनाए? देखिए, मैं समझता हूँ जिलाध्यक्ष भी बन रहे हैं जी, और अभी राष्ट्रीय कमेटी में भी बने हैं, और प्रवक्ताओं की सूची में आए उसमें भी बने हैं। तो सभी जगह हम लोग इनको प्रतिनिधित्व देने का काम। ठीक है। शेर मोहम्मद तकी भाई, आपकी पार्टी भी लगातार इस वर्ग को लेकर अपनी बातें करती है और कहती है ये वर्ग हमेशा छला गया है, और आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो कुछ यहाँ पर परिवर्तन भी करेगी, और आम आदमी पार्टी इस वर्ग की सच्ची हितैषी है। जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है, निकाय चुनाव करीब है, कैसे देखते हो इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए जो एक तरह की रस्साकसी का दौर जारी है, उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ स्थिर होती है? इस डिस्कशन में इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका जी। और आम आदमी पार्टी हमेशा से, उसने कभी भी जात की लड़ाई नहीं लड़ी है, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमेशा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। आम आदमी पार्टी गठन ही हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए, और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाने के लिए। अभी झर्रा चल रहा है कई सालों से कि जनता वोट देती है इलेक्शन के में, याद आता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है गरीबों के घर पहुंच जाती है, कुटियाओं के घर पहुंच जाती, छप्पर में बैठ के लोग खाना खाते हैं, दलितों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, और जैसे चुनाव होता है सब लोग उसको भूल जाते हैं, चुनाव वादे खाली चुनाव वादे रहते हैं, जनता 15 लाख के इंतजार में रहती है, 15 लाख खाते में नहीं आते, उसी वर्ग का जिसके लिए राजनीति की जाती है, इससे साथ बैठे खाना खाया जाता है, उसी वर्ग का आरक्षण खत्म किया जाता है, उसी वर्ग की छात्रवृत्ति खत्म की जाती है, उसी वर्ग की योजनाओं से अलग रखा जाता है, और उसी व्यक्ति की जमीन बेचने में डीएम का संक्षेप खत्म कर दिया जाता है, उसके अधिकारों का लगातार हनन किया जाता है। आम आदमी पार्टी सब चीजों में बिलीव नहीं करती। आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर व्यक्ति को उसका संवैधानिक अधिकार मिले, उसको स्वतंत्रता मिले, उसको बोलने का अधिकार मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा इलाज मिले, उसको बिजली फ्री मिले, उसको पानी फ्री मिले। इस वर्ग को आप लोग मानते हैं, इसके लिए काम करते हैं? हम सब वर्ग को, सभी वर्गों को मानते हैं। आज दलित वर्ग, कुछ वर्गों का हाल दलित वर्ग से ज्यादा बुरा है देश के अंदर जी, और जो कुछ गरीब लोग का हाल दलितों से ज्यादा बुरा है। अच्छा, हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर समाज के व्यक्ति के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं और लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अच्छा, हमने ब्राह्मणों पर जब भी दुर्मा उस पर आवाज उठाई है, हमने ठाकुरों पर जब खुशी दुबे वाला प्रकरण याद होगा तो अभी हमने जो है आवाज उठाई, और आपको विनय मिश्रा का केस याद होगा, इस वर्ग के लिए आवाज उठाई है, इस वर्ग के लिए आवाज उठाई आपने, इस वर्ग के लिए कभी आवाज उठाई? हर वर्ग के लिए आवाज उठाई, इस वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, किसी समय वर्ग के लिए जी,
देखिए अगर हम कहते हैं शिक्षा सबको फ्री मिलनी चाहिए तो सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को होगा? नहीं अभी आप अभी आप ठाकुर ब्राह्मण की बात कर रहे थे तो मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ, इस वर्ग के लिए आपने आवाज उठाई क्या अभी? बिल्कुल आवाज उठाई हमने इस वर्ग के लिए, इस वर्ग के लिए हमने आंदोलन किया है, इस वर्ग के लिए हम सड़कों पर उतरे, इस वर्ग के लिए लाठी डंडे खाए। मोहम्मद तकी राजेंद्रपाल गौतम एक मंत्री आपके सरकार में थे, एक कार्यक्रम कराया था, कार्यक्रम के बाद लगातार सरकार पर हमलावर बीजेपी हो रही थी और आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, इस्तीफा लिया गया था, कहा गया था इस्तीफा दीजिए क्योंकि बवाल वहां पर बहुत हो रहा था, वो इसी वर्ग के थे, कैसे देखते हैं इस पे, क्या कहेंगे आप? देखिए ये भ्रमकता फैलाई जा रही है, आम आदमी पार्टी ने उसे इस्तीफा नहीं माना था, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था और बीजेपी से इतने नाराज थे कि बीजेपी ने हमारी पार्टी बैकफुट पर थी। आपको पता है आम आदमी पार्टी नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी उस मुद्दे पे फ्रंट फुट पे थी, आम आदमी पार्टी ने राजेंद्रपाल गौतम इस्तीफा क्यों ले लिया? अगर उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने इस्तीफा काफी दिन तक नहीं लिया, इस्तीफा जो है बार में क्यों लिया भाई? अगर आप उन्होंने अच्छा काम किया, देखिए कोई गलत काम नहीं किया जी, देखिए वो राजेंद्रपाल गौतम जी की इच्छा थी कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए ताकि वो उस वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सके। उसी मामले का इस्तीफा दिया गया भाई, उसी मामले का इस्तीफा दिया गया, आम आदमी पार्टी ने, देखिए गौरव जी मैं आम पार्टी के अंदर हूँ, मैं जानता हूँ, हमने कभी भी आम आदमी पार्टी ने कभी उसे इस्तीफा नहीं मांगा। अच्छा, उन्होंने हाथ धोके बीजेपी ने जो लोचे लगा के उससे हाथ धोके उस अफवाह का बदला लेने के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया। तो आपको साथ दे रहे थे, बोलते हैं आप हार क्यों हो रहे हैं, आप बने रहिए पार्टी में, हम मंत्री पद क्यों छोड़ रहे हैं जी? हम आज उनके साथ खड़े हैं, वो आज भी पार्टी के अंदर हैं, वो आज पार्टी के सम्मानित पद पे, वो आज भी पार्टी के स्टेज बोलते हैं, मंत्री नहीं है, पार्टी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नहीं है पर मंत्री नहीं है, और उन्हीं के वर्ग के उन्हीं के दूसरे व्यक्ति जगह पे उन्हीं के वर्ग के दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। अच्छा, तो हमने किसी वर्ग के साथ कुछ किया नहीं, हम हमेशा साथ में खड़े रहे और उनकी इच्छा थी कि वो राष्ट्रीय लेवल पे काम करना चाह रहे थे, मंत्री पद होते हुए दिल्ली से बाहर जा नहीं पा रहे थे, चाहते थे कि राष्ट्रीय मुद्दा हुआ उसके बाद उनका प्रेम जाग गया संगठन में काम करने के लिए। ठीक है भाई, तकी भाई मुझे आपकी बात समझ में आ रही है जी भाई, हम वो अगर कोई व्यक्ति कहता कि हम बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, तकी भाई घटनाक्रम क्या है आपको पता है? मुझे ही पता है, ठीक है, नहीं मुझे पता है आम आदमी पार्टी कहीं से आप यहाँ, मुझे पता है प्राण टीवी को पता है, मुझे पता है घटनाक्रम था, वहाँ पे इस्तीफा लिया गया था राज्यपाल गौतम, आम आदमी पार्टी कभी इस्तीफा नहीं मांगा है, आम आदमी पार्टी आज उनके साथ खड़ी है, आज वो आम आदमी पार्टी के आज उनका अपने यहाँ पर कसीरे पड़ रहे हैं को लेकर, हम कद से सम्मान करते लोगों का जी, ठीक है देशबंधु भाई, सब अपने अपने वादे और बयान और कसीरे पड़ रहे हैं इस वर्ग को लेकर, ये वर्ग का असली हितैषी है कौन मुझे नजर नहीं आता भाई, कौन बताइए? अरे देखिए जी, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अरे पार्टी का अरे अरे मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए, आम अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी आपका जीता जागता उदाहरण देखिए, 6 MLC मनोनीत किए हैं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, आप देखिए सभी जाति वर्ग का ध्यान किसने रखा जी। और आप बात ने आपने अभी एक मुद्दा उठाया उस बात पे कितने ही चालाकी से हट के, अरे 2012-17 नहीं इसके पहले बसपा सपा की सरकार और लगभग 15 वर्षों तक इन लोगों ने भी सरकार चलाई, तब इनको जातिगत मुद्दा नहीं आता, अरे गरीब किसान महिला इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल सत्ता की चाशनी चाहिए और इसके लिए चाहे बुआ को बबुआ की गोद में बैठना पड़े, चाहे दो युवराजों की जोड़ी हो, अरे ये पर बोले चाहे भाई, किसी से भी बोल रहे हैं कि बीएसपी आपकी साइलेंट पार्टनर है, उद्देश्य यही है देशबंधु भाई, भाजपा की भुवन भास्कर जोशी बोल रहे हैं कि बीएसपी आपकी साइलेंट पार्टनर है, आप बुराई कर रहे हैं बीएसपी की, देखिए उसको बबुआ याद दिला रहे हैं, नाराज हो जाएंगे, हमारी पार्टी ना किसी की साइलेंट पार्टी है ना हमारी कोई एसोसिएट पार्टी है, आपकी साइलेंट पार्टी नहीं बोल रहा है, वो बीएसपी को बोल रहा है कि आपकी साइलेंट पार्टनर है। अच्छा भाई, अच्छा कैमरों में मीडिया चैनलों पर बुआ और बबुआ की जोड़ी तालमेल हुआ, इन्होंने मिलकर जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद बुआ जी ने बबुआ को जब आशीर्वाद देखिए, उनकी नीति और 25 करोड़ की जनता मुड़े नहीं है, सैंतीस वर्षों बाद ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पद पर आसीन करने का उन आशीर्वाद देने का उत्तर प्रदेश की जनता का केवल एक मात्र लक्ष्य है, लोग जो है वो प्रभावित की, उनको लगता है आज कानून व्यवस्था का मुद्दा चाहे ले लीजिए, चाहे
आवास की बात आप कर रहे थे या सभी जाति धर्म प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो या कौशल विकास दर, रोजगारों की दर हो, सब पे जितनी भारतीय जनता पार्टी समस्या है इन्होंने केवल समस्याएं पैदा की गौरव जी। अच्छा, हम और भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं का समाधान पैदा किया। मैं उदाहरण दे चुका क्या देश का? नहीं, हम राशन बांट रहे थे तो वो राशन जनता भूखी मरती थी। किन परिस्थितियों में राशन बांटा गया तो वो तो अच्छा ही है। मैं तारीफ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड बनाया आपने। देश बंधु भाई मुझे भी पता है, सरकारों में कोई भूला नहीं 1975 में। देश बंधु निश्चित जी मुझे भी पता है, व्यवस्था लागू की गई। सुनिए मुझे पता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करना और घोटालों की सरकार में साझा सरकार बनाना इनका एक मूल। देश बंधु भाई सुनिए, देश बंधु निश्चित, अरे भाई हो गया तो चुप ही नहीं होते। मैं कह रहा हूँ आपने राशन बांटा कोरोना के समय, निश्चित रूप से उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। भाई WHO बड़ी संस्था है विश्व की और उसने केवल 14.5 करोड़ लोगों को राशन दिया अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और आपने यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया, तो निश्चित रूप से एप्रिसिएशन है। पर यहाँ पर यह बोलना कि हमने राशन बांटा, उसके पहले इंसान भूखा नहीं मरता था हिंदुस्तान का, तब भी राशन मिलता। नहीं, मैंने इस बात से गौरव भाई इंकार नहीं किया भूखा, लेकिन ये किसी भी देश के ऐसी महामारी में प्रधानमंत्री का दायित्व अच्छा। होता है। हमने ये ना एप्रिसिएशन के लिए किया ना प्रशंसा के लिए किया, ये हमारी उस समय की जरूरत थी। देश का प्रधानमंत्री जनता के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आप बताए, और सभी लोग कमरे में बैठ के ट्विटर खेलते थे, तब इनको जाति धर्म से मतलब नहीं था, किसी जनता के इसका कोई सरोकार नहीं था, किसी के दुख समस्या में कभी भी, चाहे सपा के प्रवक्ता हो चाहे बता दे झूठ बोले मशीन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। हाँ। अरे इनके नेता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो झूठ की मशीन है। अच्छा। वो तो प्रधानमंत्री के बाद कोई टिप्पणी करते हैं आप झूठ की मशीन है, केजरीवाल झूठ की मशीन है। अरे इनकी डिग्री देख ली है भाई, डिग्री चक्कर आ ले, डिग्री मांगने परेशान हो जाते हैं। डिग्री मांगी किडनी नहीं मांगी, कोई झूठी कसम खा लेगा। अच्छा बंधु साहब, डिग्री मांगी है हमने, डिग्री आ गई, आप तो परेशान हो गए। अरे किडनी मांग ली इसी ने आपकी, ईमानदार मुख्यमंत्री आप है। गौरव जी समझ लीजिए, डिग्री दिखाने की हिम्मत नहीं है, बातें बड़े बड़े करा लिए। 2016 से पढ़िए, आप उसको देख सकते हैं। वक्त आप कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बंधु भाई बोलिए, सही मोहम्मद तक ही बोलिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि डिग्री दिखा दे, हमने डिग्री मांगी किडनी नहीं मांगी। अरे डिग्री दिखा दीजिए, 2016 पे डिग्री दिखा नहीं रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कुरियर करवा देंगे आपको, कुरियर करवा देंगे, बोल तो रहे कुरियर करवा देंगे। हाईकोर्ट ने भले मना कर दिया, देश बंधु भाई कुरियर करेंगे आपको, परेशान ना होइए। हाईकोर्ट करेंगे पता है, हाईकोर्ट ने मना किया। यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, यूनिवर्सिटी की होगी। अच्छा ये यूनिवर्सिटी की होगी, यूनिवर्सिटी की होगी, बट डिग्री आपको यूनिवर्सिटी की होगी, यूनिवर्सिटी की होगी। अरे डिग्री वाला मुद्दा नहीं, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी लिखा होगा, यूनिवर्सिटी लिखा होगा, इंटायर पॉलिटिकल का साइज होगा। अरे आप भी तो बता दीजिए। हाँ। लैटिन टेक्स्ट में होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट हो गया था उससे पहले की मशीन है वो। अच्छा शिक्षा में शराब बिकती है कि शराब की शिक्षा बिकती है? असली मार्कशीट भेजेगा, असली फर्जी ना भेजेगा। अरे शिक्षा में शराब बेची जाती है कि शराब की शिक्षा बेची जाती है? फर्जी सब देख ही रहे, असली का नहीं है ये मुद्दा, नहीं ठीक है। मोहम्मद मास्टर जोशी क्या बोल रहे हैं, फर्जी मार्कशीट सब देख रहे, फर्जी डिग्री सब देख रहे, असली का है। बहुत सार्थक चर्चा आज आपने, गौरव जी एक बहुत सार्थक चर्चा आपने चला रखी है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 का जो चुनाव है ये दोस्त बचाओ और देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दोस्त बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है और विपक्षी दल देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर जनता के बीच में करेंगे। और अभी हमारे साथी तर्की जी बार बार डिग्री की बात कर रहे थे। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ ये डिग्री से क्या होगा? आप तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस देश में 2014 के बाद पहली बार देश ने विकास की किरण देखी है, ये विकास की किरण देने वाले हैं। और हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री, आप उनको साधारण एक बीए पास आदमी मत समझिए। हाँ। उन्होंने, वो वैज्ञानिक भी है, उन्होंने देश को नाले से गैस से कैसे कैसे खाना बनाया जाता है ये भी देश को सिखाने का काम महान वैज्ञानिक मोदी जी कर रहा है। आप ये कॉम्प्लीमेंट है, आपने, मैं कहूँ
मैं तो कहूंगा प्राइम टीवी के माध्यम से आप लोगों को, सभी विपक्ष के दलों को एक चिट्ठी लिखना चाहिए कि महान वैज्ञानिक के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को वहां पर सम्मानित किया जाए। ये कोई साधारण व्यक्ति है? ये साधारण प्रतिभा के व्यक्ति नहीं हो सकते। 2014 से पहले यहाँ पर कोई रोजगार नहीं था, यहाँ पर कोई विकास की किरण नहीं थी। वो तो धन्य हो मोदी जी का पदार्पण हो गया देश में और लोगों ने पहली बार भोजन देखा, लोगों ने पहली बार विकास की किरण देखी और लोगों ने नाली की गैस से खाना बनाना सीखा। ये तो देश के लिए गोबर गैस होती है, गोबर गैस से खाना बनता है। नाले की गैस, अरे नाले की गैस से बनाया, भाई साहब कैसी बात कहते हैं गौरव जी। उन्होंने कहा, उन्होंने तो वैज्ञानिक प्रयोग करा है और हमारे तरकी भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता केवल उनकी डिग्री के पीछे पड़े हैं। वो वैज्ञानिक भी है, ठीक है। वो वैज्ञानिक भी है, प्रधानमंत्री भी है। ठीक है क्या जवाब देंगे जोशी जी की बात का? जी अरे इनको श्री अन्न मोटा अनाज खाने की जरूरत है। मोटा अनाज खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा। बात उसकी नहीं है, मैं आपने कहा ना देश को पकोड़े बनाने का रोजगार देने वाले मोदी जी हैं। कोशिश कर रहा हूँ, मोटा दिखाई हमारे युवा बोल रहे हैं, मोटा प्रधान हमारे जब लोग रहेंगे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2024 में अब हम कौन से हथकंडे अपनाएं। अच्छा। सारे हथकंडे तो 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में आपने देख लिए। अच्छा। और गौरव भाई देख लीजिए, जब जब आम चुनाव आते हैं तो सारी विपक्षी पार्टी का एकमात्र एजेंडा रहता है भाजपा हटाओ। हाँ। और जो सारे की चाशनी मिलके 141 करोड़ की जनता, आप यह बता दीजिए वो प्रधान कहते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री इनका नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश की चुने हुए सरकार के प्रधानमंत्री को ये कहते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री? ये और ये भी तो बता दूं, तो वैक्सीन को कहते हैं भाजपा की वैक्सीन नहीं। गौरव भाई सुन लीजिए, वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन नहीं है, भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान। जब देश की रक्षा के लिए भारत का प्रधानमंत्री कोई बोल्ड डिसीजन लेता है तो इनको प्रमाण चाहिए, आम आदमी पार्टी को सबूत चाहिए। रोज लेकर आप इनके नेता आते थे और एक पेपर लेके सारे आप यह बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे सभी श्रीमान प्रवक्ता लोग बैठे हैं, आप ये बताइए क्या भारत आज विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में, तो क्या भारत के उद्योगपति का इसमें स्थान नहीं? रोज अंबानी अडानी का आप लेते हैं, आप ये बताइए विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में अगर आज भारत देश है तो क्या भारत के अनगिनत उद्योगपतियों का हाथ नहीं है? बिल्कुल है। गौरव भाई आप भी एक चैनल में हाथ रखते हैं, वो चैनल दिन दूनी रात प्रगति करे, वो इस बात का द्योतक होता है कि वो चैनल के साथ साथ गौरव भाई की प्रगति हो रही है। जी बिल्कुल। और अगर आज भारत विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में है तो क्या भारत के सभी लोगों का इसमें योगदान नहीं है? प्रत्येक भारतवासी का योगदान है और प्रत्येक भारतवासी चाहता है कि विश्व गुरु के जो प्रथम स्थान पर भारत स्थापित था वो रहे। इससे पहले 2004 से 14 तक की एक ऐसी मौनी सरकार थी जो कभी जनता जनार्दन से जुड़ी नहीं रही। अच्छा। आप यह बताइए उनसे कोई मतलब नहीं, घोटालों का जो कीर्तिमान होता वो स्थापित कर दिया, रोज नए घोटाले, जनता ये सोचती है कांग्रेस नहीं, अगले दिन कौन सा नया घोटाला आ जाएगा। और आज इनकी चिंता यही है कि 2024 में फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार हम हैट्रिक मान के फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ताकि बोलिए फिर आखिर ताकि भाई बोलिए जल्दी बोलिए, समय हो रहा है बोलिए। देखिए मैं देशबंधु साहब से पूछना चाहता हूँ, पूरा देश जानता जाता है कि मोदी जी का अदानी का रिस्ता क्या है और कितना कमीशन मोदी जी को अदानी जाता है, कि वहाँ भी 80% 20% है क्या? टाटा आगे बढ़ता है, अदानी आगे बढ़ता है, उनका डी फैक्टर जो है मोदी जी का सही नहीं, डिग्री सही नहीं है, अदानी में डी है, डी फैक्टर सही नहीं है, डेमोक्रेसी का डी फैक्टर सही नहीं है, तो अपना पहले डी पे फैक्टर सही नहीं है, उसके चुनाव में जाए जनता पूछे नहीं अदानी का क्या कहलाता है, 80% हो गया है मुद्दा पर, मुद्दा पर 80% अभी मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी की, तकी भाई
अभी मैं पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी इस वर्ग के लिए, जिसके लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं, कितनी सक्रिय है, कितने पदाधिकारी इस वर्ग में आपकी पार्टी में है, क्या बड़े पदों पर है? नहीं है। तो ये मुद्दा पर उठाइए, मुझे, मैं कह रहा हूँ, मुझे सब पता है। मैं बताना चाहता हूँ, बताइए, बता दीजिए। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का नाम गिना दीजिए, मुझे नाम पता है, नाम गिना दीजिए, इसका गलत प्रकोष्ठ है। और जब हाथरस का कांड हुआ था तो आम आदमी पार्टी, अरे हाथरस का मैं बताइए, हमारे संजय सिंह आम आदमी पार्टी में कितने वर्ग के लोग, उनके ऊपर इंक फेंकी गई थी, आम आदमी पार्टी में कितने वर्ग के, आम आदमी पार्टी में कितने वर्ग के लोग हैं, नाम बताइए, वर्ग है, लिस्ट मेरे पास है, बोलिए, पोस्ट है, मैं नाम बताता हूं, अध्यक्ष है हमारे ललित कुमार वाल्मीकि है, रामलाल वाल्मीकि है, वाल्मीकि समाज के बहुत से लोग हमारे पदों पे आसीन है, कार्यकर्ता मैं बताइए, बड़ा पद बताइए, कार्यकर्ता नहीं, बड़ा पद बताइए, बड़ा पद है कोई? हाँ, बड़ा पद क्यों नहीं है, बताइए, जो जो वाल्मीकि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हमारे बड़े पद के हैं, वाल्मीकि से बहुत लोग हैं यहाँ पे, वो प्रकोष्ठ हो गया, वो तो हो गई, पूरी उसमें काम कर रही हमारे यहाँ, ठाकुर ले जाके रख देंगे, सब लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं सारे दोस्त हमारे, अरे वाल्मीकि समाज का प्रकोष्ठ होगा उसमें वाल्मीकि समाज ही रखेंगे मेरे भाई, तकी भाई उसमें कोई ब्राह्मण ठाकुर रखने के जाता के, इसके अलावा बड़े पदों पर कौन है, बोलिए, बड़े पदों पे बहुत से लोग हैं जो हमारे पिछड़े समाज के हैं और काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार, बहुत से, इतना भी नहीं हुआ, मंत्रिमंडल में है, नाम तो बता दीजिए, चलिए ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर भवनराज का जोशी बोलिए आखिरी कमेंट जी। गौरव जी मैं कहना चाहता हूँ, जो आज आपने मुद्दा सुनाया ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये मुद्दा है उस समाज को जो अब तक देश की आजादी के 75 वर्षों से अब तक जो सूरज की जो किरण है उससे बहुत दूर है, इसका जो समाज है वो अभी तक मुख्य धारा में भी नहीं आ पाया, इसकी लड़ाई को हम लोगों को सबको जितने हमारे साथी बैठे हैं ये छोड़कर कि कौन से राजनीतिक दल से हम रहते हैं, निश्चित तौर पे हमारी भावना होनी चाहिए कि जो लोग आज तक उस प्रकाश नहीं पहुंच पाया, जिन तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई, उन लोगों के लिए हम लोग लड़े, और हमने अपने एज ए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसकी पहल करी है और हमने उसका उसके प्रकोष्ठ को आप न केवल बनाया बल्कि उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, ये काम हमने जमीन पे करा और उसकी संगोष्ठी करके हम लोगों को जनजागरण करने का काम। तकी भाई आखिरी कमेंट आपके द्वारा जी। देखिए आम आदमी पार्टी जनता के लिए बहुत संवेदनशील है और जनता जुड़े मुद्दों की बात करती है, और आज की डेट में दलितों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है, डीएम के हस्तक्षेप से उनको हटा कर देंगे, जमीन बेचने के लिए सब जगह जितनी छात्रवृत्ति मिलती थी लोगों को पैसा मिलता था छात्रों को वो खत्म कर दिया गया है, एडमिशन जो होता है उसमें खत्म कर दिया गया है, और जो प्रोफेसर की नियुक्तियां हो रही है अलग यूनिवर्सिटीज में उसमें जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको नहीं लिया जा रहा है, खुले तौर पर सामने निकल के आ रहा है, अभी यूनिवर्सिटीज में नियुक्तियां हुई उसमें कितने पदों के ऊपर जो है हमारे पिछड़े समाज के एससी एसटी समाज के लोगों को लिया गया आप देख रहे हैं, वहां नहीं लिया गया है, 10 जो खाली सीटें थी उसमें भी नहीं लिया गया है, तो ये लगातार जो बात करना चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना, किसी व्यक्ति को बड़े पद पर बना देना, ये संकेतिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति संकेतिक, बीजेपी संकेतिक राजनीति करती है, एक उपाध्य बैठा के राजनीति करती है जबकि सबके अधिकारों का आपकी बात फाइनल कमेंट जी। गौरव भाई लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही का आशीर्वाद ही सबसे अंतिम और परिणाम ही सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है, और देखिएगा आने वाले आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो संभावित है, जनता जनार्दन भारत जनता पार्टी की रणनीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देगी, और नगर निकाय 17 नगर निकाय और जो नगर निगम है और नगर पालिका परिषद है उसमें परचम लहराएगी, और जनता का विश्वास अटूट है, और ये विश्वास के सहारे देखिएगा आम चुनाव में भी हम फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः एक बार तीसरी बार जो है हम देश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी बहुत महत्वपूर्ण कि दलित वर्ग को लेकर लगातार रस्साकसी का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी से दो दो हार करने तैयार है, रणनीति के मामले में, पदाधिकारियों की नियुक्ति के मामले में, संघर्ष के मामले में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हर वर्ग तक अपनी बात पहुँचाने के मामले में। अब इस वर्ग का कौन कितना खास है ये वर्ग भी जानता है, और शायद हम जैसे खबरनबीज भी जानते हैं, और शायद जो दल राजनीति करते वो भी जानते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां वर्ग की बात ना करके केवल जनता की बात की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। जनता केवल जनता होती है और सभी वर्ग इसमें आते हैं, अगर किसी वर्ग का यहां पर शोषण हुआ है, उस वर्ग का अनदेखी की गई है, उस वर्ग के लिए काम नहीं किया गया है, तो सभी दलों को अगर कोई काम करने के लेकर एक नीति बनानी पड़ेगी, और सर्वदलीय बैठक भी हो उस वर्ग के बेहतर करने के लिए प्रयास हो, नीति बनाई जाए,
संकल्प लिया जाए तभी वो वर्ग आगे बढ़ेगा। केवल राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए इन वर्गों को याद करना मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं रही है। भारतीय लोकतंत्र में समानता के अधिकार के तहत सबको मौका मिलना चाहिए और सभी वर्गों को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए, और जो वर्ग वास्तव में शोषित है उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सभी पार्टी को प्रयास करना चाहिए। जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ वहाँ नीति बनाएं, प्रयास करें उस वर्ग को आगे बढ़ाएं, तभी भारत विश्वगुरु बनने का जो सपना देखता है वो पूरा हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।